चलिए आज हम कॉलीफ्लावर की एक अच्छी सी सब्ज़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज का ऑनियन, थोड़े से गार्लिक, 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। कॉलीफ्लावर को मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, जिस तरह से। अब ये टमाटर्स को हम एक मिक्सर में पीस लेंगे। जो ऑनियन, गार्लिक और चिलीज है इसको भी अलग से हम एक पेस्ट बना लेंगे इसका। कुछ इस तरह से देखिए, टमाटो प्यूरी और ये मसाला इस तरह से पिस गया है। और हमें इसके लिए लगेगा 1/2 कप योगर्ट और कुछ हमें लगेंगे यहाँ पर इंडियन स्पाइसेस, जैसे टर्मरिक, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये है करी पाउडर, ये आपको किसी भी इंडियन स्टोर में मिल जाएगा, एंड रेड चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट। एक पैन में आप थोड़े से क्यूमन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स लें, ऑयल बहुत थोड़ा लीजिएगा। जब ये स्प्लटर होने लगे तो ये जो हमने ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट बना के रखा है ये इसमें हम डाल देंगे कुछ इस तरह से, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे सब्जी। जब ये थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाए ऑनियन, तो हम इसमें मसाले डाल देंगे इस तरह से। सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए वो मैंने इसमें डाल दिए। इसे हम अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे। और इसमें जो हमने टोमेटो की प्यूरी बना के रखी है वो इसमें मैं डाल दूंगी। और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे, लगभग 2-3 मिनट अच्छे से इस मसाले को हम भूनेंगे। देखिए इस तरह से मसाला हम भूनना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने 1/2 कप जो योगर्ट रखा था वो इसमें मिला देंगे। अच्छे से इसे अब हम 2 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। मसाला अच्छे से पक जाएगा। बीच बीच में इसे हिलाते रहें। देखिए मसाला अब अच्छे से पक गया है, तो इसमें अब जो हमने कॉलीफ्लावर काट के रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मसाला को इसके साथ मिक्स कर देंगे जिस तरह से। अब हम इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें। देखिए अब सारा पानी सूख गया है और सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम इसे हरे धनिये के साथ गार्निश कर देंगे और आपकी कॉलीफ्लावर की सब्जी रेडी है। इसे चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं।